अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे क्या दिखा रही है हम सबको। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम सब लोग वेकेशन पे जा रहे हैं। तो हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द जल्दी हैं वो देखने को मिलेंगी। एंड देन आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो सी हैं वो इकट्ठी कर ली हैं, थोड़ी सी जो हमें किचन में ज़रूरत पड़ेंगी क्योंकि हम किसी के घर नहीं जा रहे और ये हमने एक जगह को रेंट किया हुआ है तो वहाँ पर है। तो इंशाल्लाह फिर कब जाते हैं, कैसे सारा होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है, हम अपने दिन में क्या क्या करते हैं और क्या हमारी रूटीन होती है, आपसे सब शेयर करेंगे। तो लेट्स गो। A few inches later. हाँ जी गाइस, चलते चलते मैं आपको आज का वेदर की भी थोड़ी सी न्यूज़ दे दूँ क्योंकि वेदर जौन सा है यहाँ पे भी थोड़ा गर्म गर्म होने लग गया है, धूप निकलती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का वेदर जस्ट लॉट ऑफ ट्रीज़ की वजह से, लॉट ऑफ ट्रीज़ इन दिस एरिया, उसकी वजह से हमारा वेदर बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा हॉट नहीं होता, हॉट होता है बट साथ ही थोड़े दिन में, एक दिन में, दो दिन में बहुत अच्छा हो जाता है। लास्ट टू डेज से बहुत बेस्ट चल रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वेदर बहुत नॉर्मल है, थोड़ा ठंडी जगह है, आई मीन जो छांव वाली जगह, तो वो सारी जगहें बहुत जौन सी हैं वो मज़े की लग रही हैं। तो चलें चलते हैं, आज का दिन हमारा कैसा होता है, हम लोग क्या क्या करते हैं आज का दिन। A little longer than a few minutes later. हाँ जी गाइस, ग्रोसरी वोसरी करके मैं आई हूँ और मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गर्मी भी अच्छी खासी हुई हुई है। मैं तो थक गई भाईसा। एंड देन आज फिर हमारे घर बारबेक्यू का प्लान बन रहा है और हम ग्रोसरी में बारबेक्यू की चीज़ें लेके आए हैं। तो हम आई थिंक कुछ स्टेक, कुछ प्रॉन्स, इनको श्रिम्स मैंने कभी नॉर्मली देखा नहीं बट हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं श्रिम्स। एंड देन मैं साथ कुछ तोरी जो होती है, जुकीनी एंड बेल पेपर, इसको साथ कुछ करेंगे, आई डोंट नो क्या होता है। तो चलते हैं और इसको मैरिनेट करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे इनकी लुक कैसी आती है, क्या होता है। और एक मैंने बात आपसे करनी थी कि ये मैं थोड़े दिन पहले देख रही थी एक जगह पे और मुझे पहले नहीं कभी भी पता था कि जो ये शिमला मिर्च होती है कैप्सिकम, इसका मेल और फीमेल का कुछ हिसाब होता है। जिसके चार पीछे बम्प होते हैं वो शायद फीमेल होती है, जिसके पीछे तीन बम्प होते हैं वो मेल होती है। अच्छा, अगर किसी को सही तरह पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये सच बात है और मेल के थ्री बम्प होते हैं या फीमेल के थ्री बम्प होते हैं, और प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने सुनी है ये बात, किस हद तक ये बात सही है ज़रा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चले चलते हैं, आज फिर हम क्या बनाते हैं, कैसा बनता है, इनको मैरिनेट करते हैं। उससे पहले मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, तो मैं अब चाय पीने लगी हूँ, थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, उसके बाद ये सब चीज़ें मैरिनेट करते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, श्रिम्प के अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन, सॉल्ट, पेपर एंड देन मैं उसमें ये जो है ना वो गार्लिक बटर है विद सीजन हुआ हुआ बटर, वो मैं लेके आई थी, तो वो मैं इसके अंदर डाल के तो इसको मैरिनेट करूँगी। बस इसकी मैरिनेशन इतनी सारी है। और एक और बात, तो शॉकिंग बात ये है कि सरप्राइजिंग बात भी है कि पूरे स्टोर में जो फ्रेश प्रॉन्स थे, दिस इज़ मेड, आई मीन फ्रॉम इंडिया, ये मेड तो नहीं, आई मीन फ्रॉम इंडिया से हैं। सो ये वाले श्रिम्प मैं खुद सरप्राइज थी कि यहाँ पे सारे श्रिम्प पड़े हुए हैं वो सारे फ्रोज़न हैं, फ्रीज़र भरे हुए हैं छोटे बड़े हर तरह के श्रिम्प से, पर जो फ्रेश थे वो लिखा हुआ है कि फ्रॉम इंडिया। सो बड़ी अमेजिंग सी बात है, मैंने पहली दफ़ा ये देखा है और सुना है। तो
चलें उसके बाद मैं अब जौनसा है स्टेक को भी मैरिनेट करती हूँ, इसकी भी सीजनिंग, देन मुझे जो दो वेजिटेबल्स लेके आई हूँ उनको भी मैरिनेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं तो फिर से थक गई। नहीं कोई बात नहीं है, वो बर्न वाला ही तो मज़ेदार होते हैं। चलें जी, कौन से हमारा स्टार्ट हो गया है बारबेक्यू, और जल जाएगा ना। जैन हीट भी लग रही है बहुत ज़्यादा, है ना, लो पे है। ये तो भी होती है, ये तो लो पे है। चलें अब बाकी चीज़ें करते हैं फिर। हाँ जी गाइस, स्टेक भी पहुँच गई है ग्रिल के ऊपर, तो कौन कौन सी हैं स्लो हीट पे पक रही हैं देखते हैं कब। बस मैंने जो भी मुझे मैरिनेशन की समझ आई थी मैंने बस थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं, कुछ स्पेशल नहीं है। तो ये जो श्रिम्स और ये तोरियां थीं, जुकीनी जो है उसको मैंने यूं ऐसे मैरिनेट करके किया है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखें क्या होता है, फिर आपको बताते हैं कि पकने के बाद और खा के इनका टेस्ट कैसा बनता है। नाइस। ऐसे आग स्प्लैश करती है ना, जैसे पता नहीं यार, एक दफा पकाने से ये इतनी जल्दी गंदा हो जाता है, ये देखिए ना। ये तो गरम है। Later. हाँ जी गाइस, मैंने बारबेक्यू डन कर लिया है और मैंने सबको इनकी प्लेट्स बना के दे दी हैं। ये मेरी प्लेट है, मज़ेदार मज़ेदार। और मैं भी अपना डिनर अप करने जा रही हूँ, और डिनर करने से पहले मैं, और इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं चंद खूबसूरत बातें आपसे कहना चाहती हूँ। आई होप आपको वो मेरी बातें पसंद आएंगी। हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। ये तख्ते खुदा है इसे तुम पाक ही रखना, हर शख्स को इस दिल में बसाया नहीं करते। खामोशियों को जो तेरी खातर में ना लाए, उस शख्स पे अल्फाज को जाया नहीं करते। आई होप ये खूबसूरत बातें आपको मेरी पसंद आई होंगी, और आई होप आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि झटपट आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और खूबसूरत और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मैं तो तीसरी बार थक गई। अरे मैं भी थक गई। नहीं 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 सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।